अब इसके आंसुओं का जवाब दीजिए आप। सरपंच साहब, बीडीसी और जो डीडीसी मेंबर हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि अभी तक अगर आपकी नजर इस पे नहीं गई है, आज खुदारा इन आंसुओं का जवाब दीजिए और इस बच्चे को बताइए कि क्या ये तालीम हासिल कर पाएगी, ऐसे आंसू लेके ये बच्चे तालीम हासिल कर पाएगी। दिन के बज चुके हैं 4 और मैं इस वक्त मौजूद हूं बांडीपुरा के मंगनीपुरा पाइन इलाके में, जहां पर एक सरकारी मिडिल स्कूल है और सरकारी मिडिल स्कूल के अंदर जेर तालीम लगभग 50 से जायद बच्चे मेरे पीछे पीछे इस वक्त आ रहे हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी तकलीफ का जो एहसास है, एक तो वो मुझे आज खुद भी हो जाए और फिर उस एहसास को मैं अपनी बातों के जरिए से अरबाब इक्तदार के दहलीज तक पहुंचाऊं या अरबाब इक्तदार में बैठे उन अफसरान या हुक्मरानों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूं जो आए रोज ये दावा करते हैं कि सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। ऐसे में एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा, एक तो अफसरान से भी, साथ ही साथ PRIs जो हमारे पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खासतौर पर इस इलाके के सरपंच से या इस इलाके के BDC से या फिर इस इलाके के DDC मेंबर से मेरा सवाल रहेगा कि क्या आपको मालूम है कि पाइन इलाके में, मंगनीपुरा पाइन इलाके में मिडिल स्कूल के ये बच्चे बारिशों के दिनों किस तरह से चल रहे हैं और किस तरह से इन्हें तकलीफ या परेशानी का सामना रहता है? क्या कभी इस बात को समझा गया है? क्या इस बात का एहसास कभी किसी को हो गया है? और अगर ना हुआ हो तो आज शायद हो जाएगा, क्योंकि आज वही तकलीफ वही परेशानी मुझे भी आज खुद हो रही है। देखिए जरा, दिखाइए जरा कैमरामैन, ये देखिए मेरी जूतों की हालत, या मेरी छोड़िए, इन बच्चों के जूतों की हालत देखिए जरा। खुदा रा मुझे बताइए, ऐसे बच्चे किस तरह से तालीम हासिल करेंगे, ऐसे बच्चे किस तरह से क्लास में बैठेंगे, ऐसे बच्चे से हम डिसिप्लिन किस तरह से तवक्क रखेंगे कि ये बच्चा डिसिप्लिन्ड होगा, या इस बच्चे में किसी, ये देखिए इसका जूता दिखाइए जरा, क्या हालत होगी छोटे मासूम बच्चे की, जरा गुबर में उन बूटा, ओह माय गॉड। ये देखिए DDC मेंबर और BDC इस काउंसिल के BDC चेयरमैन जो है या फिर सरपंच साहब जो है, उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि मुझे बताइए, ऐसे बच्चे क्या हमारे आने वाले कल को संभाल सकते हैं? जब इनके जहनों पर इस तरह से परेशानी होगी कि वो स्कूल आने के लिए इतनी सारी मुसीबतों से दोचार होते होंगे या गुजर रहे होंगे, फिर भला बताइए ऐसे में हम क्या तवक्क रखेंगे कि ये कल हमारा मुस्तकबिल संभालेंगे? मैं जरा बच्चों की तकलीफ को इन्हीं की जुबानी समझना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे बच्चे मासूम होते हैं और इनकी मासूमियत से या फिर इनकी मासूम बातों से शायद अब की बार किसी को एहसास होगा और इनकी मुश्किलात का इजाला होगा। तो एक मुश्किल स्कूल यूनिफॉर्म छा गंद गसा, बूट छा गंद गसा, मैं तुझ तुझ वरिया ज्यादा तकलीफ गसा। वरिया हज छु गसा। अच्छा। इस हज और वसन सूद हज असल पटन हज वसा योर हज खसा बूट। आथस क्या तन बेज खोरे वा असल पटन लिखन बेज आब गंद आइतस। अदे जन हक इस हज बॉलिंग कोर इस हज जन हक और टॉयलेट ते नेर की। टॉयलेट छु ना तो की न हज टॉयलेट हज छ मगर असल हज छीन अदे जन आब ते की हिन। बेज गस इस हज बिजली ते असन असल पटन हज। आब तो छु ना तो की। टॉयलेट छु ना की। स्कूल छु ना वक्त सही पट की हिन। तो एक कते स्टूडेंट छु अत परान ते मा पता ते कते छु छु कुल 56। अच्छा मैं उन्हें तो ये देखिए इसकी हालत देखिए, ये बच्चे की जूते की हालत देखिए। खुदा रा फिर मुझे बताइए, ये देखिए इसने अब चप्पल पहनी हुई है, इसने जूता नहीं पहना हुआ है और ये कह रही है कि ये जूते फिर बाद में हाथ में लेके कभी कभार चलते हैं। ऐसे में देखिए एक पेरेंट भी यहाँ पर है, ये अपने बच्चे को लेने आज खुद आए हैं। तो ये क्या आमित पानी में बच्चे नींद आमित एम मौजूद या परेशान वक्त की नोचो वक्त नोचो बेकी या परन नोचो मनाई आ बुक बन बस कहां हिसाब हो छनी ये तो त्रोक ओतरे ये रोड हम ब्रह्म नलक से एक ताल अलबत्त वो त्रोक है नलक लोन वो ये रोड बनोमत रोड च बनोमत या पर मगर दिशन का हिसाब हो या। अच्छा एम निश ओस ब्रोय असल जाय या। अच्छा अच्छा दा ची या ये पठी रोड ट्रक अपर सजा दे रब ये लटन लटन बचन च गसा मुश्किल अस पे ओड गंट अमन ये रब को त काल गो मंत्रे मत से ए अत गई मे बसा हरद पेट। अच्छा रे दु चोर गयस रे दु चोर पांच है रे दु चोर वो ओस थोड़ा बन बस मगर या त्रोक ओतर नलक वलक गो सजा दे रब।
अब यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं रिपोर्ट करूँ कि इस दर्द को संभालूं, इस तकलीफ को संभालूं। दिखाइए जरा सरपंच साहब, बताइए ये बच्ची गिर गई है अब यहाँ पर इसको पैर फिसल गया और ये बच्ची की हालत देखिए, और अब ये बच्ची रो रही है। अब देखिए, अब इसके आंसुओं का जवाब दीजिए आप सरपंच साहब। बीडीसी और जो डीडीसी मेंबर हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि अभी तक अगर आपकी नजर इस पे नहीं गई है, आज खुदा रा इन आंसुओं का जवाब दीजिए और इस बच्चे को बताइए कि क्या ये तालीम हासिल कर पाएगी, ऐसे आंसू लेके ये बच्चे तालीम हासिल कर पाएगी। देखिए अभी ये इसका पैर फिसल गया, अब देखिए इसकी यूनिफॉर्म की हालत क्या हुई, इसका बैग यानी झोला इसका जो है वो खराब हो गया। ऐसे में खुदा रा बताइए कि ये बच्चे किस तरह से तालीम हासिल करेंगे, ये यकीनन संजीदा सवाल है। अब मैं रिपोर्ट को यहाँ पर इख्तिताम पजीर करूंगा क्योंकि मैं बच्ची को संभालूंगा अब, क्योंकि बच्ची के साथ कोई नहीं है। मैं थोड़ा सा इसके हालात भी देखूंगा, लेकिन सवाल छोड़ के जा रहा हूँ सरपंच के लिए, बीडीसी का चेयरमैन के लिए, और साथ ही साथ जो डीडीसी मेंबर है उनसे मेरा सवाल रहेगा कि खुदा रा सारे काम छोड़ के पहले हमारे मुस्तकबिल को बचाइए। हमारा मुस्तकबिल यहाँ पर डूब रहा है, गिर रहा है, फिसल रहा है और इनकी यह हालत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बांडीपुरा के मंगनीपुरा पाइन इलाके से, जो कि न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।